गाइज वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। सो गाइज आज है 1 अक्टूबर और भाई अभी दोपहर के बज गए हैं 2:30। एंड गाइज मैं रेडी हो गया हूँ। एंड गाइज आज मैं जा रहा हूँ पटना के इको पार्क घूमने फ्रेंड्स लोग के साथ। और भाई अभी मेरे दो फ्रेंड रेडी होकर आ रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो तीन लोग भाई जा रहे हैं इको पार्क घूमने। और भाई आज मौसम अच्छा हो रखा था और भाई आज संडे भी था, तो प्लान बन गया कि चलो भाई कहीं घूमते हैं। तो प्लान बनाया मैंने इको पार्क का। बहुत बड़ा पार्क है, पटना का बहुत फेमस पार्क है, पूरा बिहार का भाई फेमस पार्क है, ठीक है। तो भाई मजा आने वाला है। तो अभी सब लोग रेडी होकर आएंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे, कैब बुक मैं करूंगा, उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं। और फुल मजा आने वाला है, मौसम भी बहुत मस्त हो रखा है। पहले बारिश भी हो रही थी तो अभी बारिश रुक गई है, ठीक है। तो मौसम भी बहुत तगड़ा हो रखा है, पूरा मजा आएगा। तो चलिए आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज हम लोग निकल चुके हैं, कैब मैंने बुक कर लिया था। और भाई मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, भाई आज बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा हो रखा है। और बस भाई हम लोग अब पहुंचने वाले हैं इको पार्क, तो चलिए। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं इको पार्क गेट नंबर 2 के पास। और भाई अब टिकट कटवाते हैं, टिकट काउंटर भी यहीं पर है, ठीक है। सो गाइज अंदर हम लोग आ चुके हैं, टिकट हम लोगों ने कटवा लिया। 20 रुपीज गाइज प्राइस है पर पर्सन टिकट का। तो चलिए अब भाई घूमते। सो गाइज पार्क देखिए कितना ब्यूटीफुल है। और भाई अभी मैं आपको आगे जाकर और अच्छे से दिखाऊंगा। और भाई इको पार्क में 3 गेट है, हम लोग दूसरे गेट से आए हैं, ठीक है। सो गाइज ये देखिए फाइटर प्लेन भी है भाई इको पार्क में। और भाई बहुत बड़ा पार्क है, अभी हम लोग तीसरे गेट के पास घूम रहे हैं, ठीक है। एंड गाइज यहाँ पर एडवेंचरस गेम भी है, ये सब भाई हम लोग ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिंपल घूमेंगे। और भाई आज ज़्यादा लोग दिख भी नहीं रहे हैं इसमें, नहीं तो भाई बहुत भीड़ रहता है, शायद आज बारिश हुआ है इसलिए भाई बहुत कम लोग हैं। तो चलिए भाई। सो गाइज यहाँ पर हम लोग स्केटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन गाइज आज स्केटिंग बंद है क्योंकि भाई आज बारिश हुआ है, तो इसलिए आज स्केटिंग नहीं हो रहा है, नहीं तो भाई स्केटिंग भी होता है। और भाई मज़ा आ रहा है घूमने में, बहुत दिनों के बाद मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो फुल मज़ा आ रहा है घूमने में। गाइज ये देखिए ब्यूटीफुल व्यू। एंड भाई हम लोग घूमते घूमते पहुंच चुके हैं बोटिंग के पास। और भाई हम लोग को मन भी कर रहा है बोटिंग करने का, तो ये देखिए गाइज बोटिंग वगैरह हो रहा है पूरा। और भाई सामने है टिकट काउंटर, तो हम लोग जाकर पता करते हैं। सो गाइज हम लोग अंडरग्राउंड में आ गए हैं, बोटिंग हम लोग थोड़ी देर बाद करेंगे। और भाई अंडरग्राउंड से हम लोग निकलेंगे दूसरे वाले पार्क में, तो उसमें अच्छे से घूम लेते हैं, उसके बाद बोटिंग वगैरह करेंगे, ठीक है। और भाई हम लोग आए थे स्लाइडिंग वाले एरिया से। और भाई यहाँ पर सीढ़ी वगैरह भी मिल जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो, सीढ़ी से भी आ सकते हो, स्लाइडिंग वाला एरिया से भी आ सकते हो। सो गाइज अंडरग्राउंड से निकल कर हम लोग आ गए हैं दूसरे वाले पार्क में। ये भी भाई इको पार्क ही है, बहुत बड़ा पार्क है भाई इको पार्क, तो अंडरग्राउंड वगैरह भी है। तो भाई चलिए अब इसमें अच्छे से घूमते हैं, लास्ट में बोटिंग वगैरह करेंगे। और भाई ये भी बहुत ब्यूटीफुल है। सो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं गेट नंबर 1 के पास। और भाई यहां पर हम लोग खेल भी सकते हैं बैडमिंटन फुटबॉल वगैरह लाकर। और भाई ये एरिया बहुत मस्त लगता है मेरे को। सो गाइज ये गेट नंबर 1 के पास किड्स का खेलने का एरिया है पूरा, आप लोग देख सकते हो। और भाई हम लोग तो खेल नहीं सकते हैं, तो बस हम लोग घूम कर निकल जाएंगे। एंड गाइज बर्तन से कैक्टस भी बन रखा है, आप लोग देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है देखने में। सो गाइज अभी हम लोग बोटिंग करने आए थे, लेकिन भाई हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए क्योंकि भाई 3 लोग बोटिंग नहीं कर सकते हैं, 2 या 4 कर सकते हैं, नहीं तो भाई वो फैमिली वाला बोट लेना पड़ेगा, तो इसलिए भाई हम लोग नहीं किए। तो भाई अब हम लोग निकल रहे हैं गेट नंबर 2 से ही एग्जिट कर रहे हैं। और भाई चलिए चलते हैं बाहर और उसके बाद कुछ खाते पीते हैं, ठीक है। गाइज शाम के 7 बज गए हैं। एंड गाइज मैं अपने घर आ गया हूँ और भाई मेरे फ्रेंड्स लोग अपने अपने घर जा चुके हैं। एंड भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज घूमने में, हम लोगों ने फुल इन्जॉय किया।
और भाई बस बोटिंग नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि भाई हम लोग 3 लोग थे, अगर 4 रहते तो बोटिंग हो जाता, या फिर 2 भी रहते तो बोटिंग हो जाता, लेकिन भाई 3 लोग के लिए वो फैमिली वाला बोट दे रहे थे, ठीक है, और भाई फैमिली वाला बोट का प्राइस था 200 रुपया, तो इसलिए भाई हम लोग प्लान कैंसिल कर दिए, नेक्स्ट टाइम बोटिंग करेंगे, ठीक है। तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, चाउमिन कोल्ड ड्रिंक वगैरह खा पी लिए, उसके बाद भाई हम लोग घर आ गए, तो फुल इन्जॉय किए हैं। भाई कैसा लगा आपको व्लॉग इको पार्क का, कमेंट में जोर से बताइएगा। बहुत बड़ा पार्क है गाइज, बहुत ब्यूटीफुल पार्क है, और भाई बहुत मज़ा आया। तो ये था गाइज आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट में जोर से बताइएगा। आई होप आपको व्लॉग पसंद पड़ा होगा, पसंद पड़ा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर गाइज नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे तक फॉलो के गाइज स्टोरी के स्क्रीन पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जोर से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।